नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि बिहार में सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, जिसमें कुल मिलाकर के 21,351 पदों पर वैकेंसी निकली है। और दोस्तों, इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग को तैयारी शुरू करने से पहले मन में ये डाउट आता होगा कि पिछले बार कट ऑफ मार्क्स क्या रहा था, हम किस बेसिस पे तैयारी कर लेकर के चलें, हमें कितना टारगेट करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारा आप लोग का डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि पिछले बार कट ऑफ मार्क्स क्या रहा था, फिजिकल में कितने मार्क्स लाने के बाद में अभ्यर्थी को फाइनल मेरिट लिस्ट लग गया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स जाने से पहले इस बहाली के बारे में ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, कुल मिलाकर के 21,391 पदों के लिए वैकेंसी आया है और ये 12th पास पे है। वही दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट हैं। वही दोस्तों, बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए ₹675, OBC के लिए ₹675, ST के लिए यहाँ पे ₹180 लग रहे हैं। वही दोस्तों, यहाँ पे अधिसूचना जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9/6/2023 को हुआ था, आवेदन जो आप लोग का शुरू होगा ये 20/6/2023 को शुरू होगा, अंतिम तिथि जो है 20 जुलाई 2023 है। वही दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड देखें तो हाइट पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, और सीना देखें यहाँ पे तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही दोस्तों, फिजिकल इफिशेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में रनिंग करना है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में रनिंग करना है। लेकिन दोस्तों, ये मैक्सिमम टाइम है, आपको कम वही दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपको अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, और दोस्तों अब रीजनिंग से भी 2-4 प्रश्न आने लगे हैं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और आपका परीक्षा जो होगा वस्तु निष्ठ होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिछली बार कट ऑफ मार्क्स क्या गया था। दोस्तों, इसके पहले बिहार पुलिस की वैकेंसी 2020 में आया था और इसमें कुल मिलाकर के जो पोस्ट थे 8,415 पोस्ट थे। दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कुल मिलाकर 8,415 पोस्ट थे। तो दोस्तों, देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या गया था। दोस्तों, आप लोग के पता ही होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स क्या क्या पर डिपेंड करता है। पहली बात कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया, पेपर सही ढंग से कंडक्ट कराया गया कि नहीं, इसमें चीटिंग का लेवल क्या रहा, क्योंकि आप लोग के पता ही कि आजकल हर एग्जामों में चीटिंग हो जाती है, किसी एग्जाम में बड़े स्तर पर होता है, किसी एग्जाम में छोटे स्तर पर होता है। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होना चाहिए कि बिहार में मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन वायरल ही हो जाते हैं, तो दोस्तों कट ऑफ मार्क्स हाई जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछली बार जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उतना ज़्यादा क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, जिसके कारण जो कट ऑफ मार्क्स है थोड़ा डाउन गया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो पिछली बार रिटर्न एग्जाम का जो कट ऑफ मार्क्स गया था, रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 64 गया था, फीमेल कैटेगरी के यहाँ पे 53 गया था, वही BC के यहाँ पे 61 गया था और BC फीमेल के लिए यहाँ पे 49 गया था, EBC के लिए 59 और EBC फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 46। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी टेबल है इस कैटेगरी में कितना कट ऑफ मार्क्स गया है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि बिहार पुलिस का जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है फिजिकल के नंबर के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट लिस्ट के जो फिजिकल का जो कट ऑफ मार्क्स गया था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स गया था 76 गया था, फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे 64 गया था, EWS के यहाँ पे 68 गया था और महिलाओं के लिए यहाँ पे 62 गया था, BC के लिए यहाँ पे 72 और यहाँ पे महिलाओं के लिए 78 कट ऑफ, महिलाओं के लिए यहाँ पे 68 कट ऑफ मार्क्स गया था। वही दोस्तों, यहाँ पे EBC के लिए देखें तो 72 पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 60, AC के यहाँ पे 68, महिलाओं के लिए 46, ST के 60 और महिलाओं के लिए 50 और BC फीमेल के यहाँ पे
64 मार्क्स गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी यहाँ पे टेबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि फिजिकल यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स गया था यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हर इवेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, दौड़ कम समय में करना होगा, गोला सबसे ज़्यादा फेंकना होगा और हाई जंप का भी आपका जो कम से कम 4 फीट हाई जंप और आपका हाई जंप भी कम से कम 4.5 फीट करना होगा तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो क्योंकि इसी बेसिस के आधार पर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स बता रहे हैं इसे आप कम से कम 5 नंबर बढ़ा करके ही तैयारी करें। हालांकि जो फिजिकल का जो कट ऑफ मार्क्स है इसी के अराउंड के आसपास में इस बार भी रहने वाला है क्योंकि वैकेंसी की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।